बैक टू माई चैनल विशू द आशू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ। आफ्टर 7 मंथ हम हनीमून पे बाली जा रहे हैं। वाया बोला ना आपको, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम। हमने अभी खाना ऑर्डर किया है, हम वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। सी मैं आपको खाना दिखाती हूँ, दाल सैलेड एंड राइस। इस पूरी थाली का नाम है वेज पुलाव थाली। अगर कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है, वेज खाता है, तो उसके लिए बेस्ट है ये थाली। देन ये पराठा थाली, आप देख सकते हो ये पराठा है, ये आलू है, आलू मसाला। मुझे जितने आलू से नफरत है, मेरे हस्बैंड को उतना ही प्यार। टेस्ट ओके था, तीखा नहीं था। हम जैसे हम इंडियन लोग तीखा खाते हैं, वैसा इतना कुछ था नहीं। आपका क्या मजा नहीं? ओके, अब हमने यहाँ का बर्गर किंग का लिया। ये बर्गर किंग है और हमने इसका यहाँ मील लिया है। ये है चिकन बर्गर, आप देख सकते हैं। इस फ्रेंच फ्राइज, ये और सबसे क्यूट इनकी केचप है, देखो। मैंने टेस्ट करके बताती हूँ आपसे कि आपको बताया था मैंने बर्गर किंग से लिया मीट, खा के ऑसम था। चिकन बर्गर ऑसम था। रेडी टू टेक ऑफ एंड कुछ देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। द एक्सपेक्टेड टाइम इज 5:50। बाली के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट लगी मुझे यहाँ की डेकोरेशन, ऑसम डेकोरेशन है यहाँ की। ये पूरा मैप है आई सी। एक डेकोरेशन में तो आपको और दिखाती हूँ। सी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत अब आपके क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा ही है। हस्बैंड जी आपको कुछ है? और अच्छा है। और अभी हम इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई ऑलरेडी कर दिया था, तो डायरेक्ट इमिग्रेशन की साइड बढ़ रहे हैं। सो आगे बंद रहिए, आप भी हमारे साथ ब्लॉग देखेंगे।